Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, my topic is a nation state run. First of all, we will try to understand what is nation and what is the meaning of state run. Nation, where we live, where we take part in a place, it is our nation, or where we born, it is our nation. And the another word is Satrangath. Satrangath means unity. Jisko hum Urdu mein itfaq kehte hain, itfaq. ये नेशन स्टेट रंगत पोइम की शक्ल में है डियर स्टूडेंट्स. ये शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने कौम में किस तरह एक इंसान को स्टेट रंगत दिखानी चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए. यानी एक कौम कैसे मुतहिद और मुतफिक रह सकता है. तो इसी बारे में शायर ने हमें समझाने की यहां कोशिश की है. तो मैं इस पैरा को पढ़ूंगा और आप सुनने की कोशिश करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्हाट मेक्स ए नेशन इज पिलर्स हाई एंड इट इज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फो दैट round it strong. It is not gold, it is not gold, it is kingdom grand. Go down in battle shock, it is shafts are laid on sinking sand. It is shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. तो शायर का कहने का मतलब यह है कि एक कौम ताकत से यूनाइट नहीं हो सकता है. एक कौम माल दौलत से यूनाइट नहीं हो सकता है. एक कौम किसी दूसरे सरमाए से यूनाइट नहीं हो सकता है, बल्कि एक कौम के इरादे पुख्ता होने चाहिए. यानी डिटरमाइनड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटरमाइन, यानी डिटरमाइंड नेशन. वही डिटरमाइंड यानी ये कौम डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी इसके इरादे पुख्ता होने चाहिए. जिस तरह शायर भी फरमाते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज बोझों से वो घबराया नहीं करते. यानी जिस इंसान के हौसले बुलंद हों, जिस कौम के रहने वालों के हौसले और इरादे बुलंद हों, वही कौम यूनाइट हो सकती है और वही कौम तरक्की कर सकती है. उसी कौम का भला हर एक राह में होता है. वो कौम एक सारी लिहाज से भी ठीक हो सकती है, सियासी लिहाज से भी ठीक हो सकती है, माशरती लिहाज से भी ठीक हो सकती है, समाजी लिहाज से भी ठीक हो सकती है. मगर शर्त यह है कि जब इस कौम में सतरंगत हो, जब इस कौम में यूनिटी हो, जब इस कौम में इत्फाक हो, क्योंकि इत्फाक बहुत बड़ी ताकत है, इत्फाक में ताकत है. लिहाजा वही कौम तरक्की कर सकती है, वही कौम दूसरे कौमों पर कब्जा कर सकती है, जो जिस कौम के इरादे पुख्ता हों, यानी उनके हौसले बुलंद हों. अगर वो किसी वक़्त उनमें किसी वक्त कोई मुश्किल भी होती है, लेकिन उनके इरादे पुख्ता होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, तो वो इन मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं. मगर शर्त यह है कि जब इनमें यूनिटी हो. फिर वही हुक्मरान, वही हाकिम अच्छी तरह से अपनी कौम को तरक्की की राह पर ला सकता है. लेकिन जब उस हाकिम में खुद उसके इरादे पुख्ता हों, बुलंद हों, और वो उसमें यह साहित हो
कि वो अपने कौम के लोगों को, अपने कौम के बाशिंदों को यूनाइट कर सके, तो फिर वो हर एक मैदान में तरक्की कर सकता है। जैसा प्यारे बच्चों, शायर का मकसद ही यही है, चाहे हम गांव अपने घरों में होंगे, स्कूलों में होंगे, किसी और जगह होंगे, समाज में होंगे, हमें हर हाल में यूनाइट रहना चाहिए। यहाँ अपने कौम में होंगे, हमें हर हाल में यूनिटी दिखानी चाहिए, सिटरंगे दिखानी चाहिए, और हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, आला किस्म के होने चाहिए, तो फिर हम हर जिंदगी के हर मोड़ में कामयाब, अपने आप को कामयाब पाएंगे। थैंक यू।